ये हमारे भारत की वही जगह है जहां पर किसी समय पर पाकिस्तान प्रेस नारे लगाए जाते थे। अलगाववादी और आतंकवादियों का खौफ था लोगों के मन में। ये वही जगह है जहां पर ये सोच पाना कि हमारे भारत देश का तिरंगा कभी लहरा पाएगा भी या नहीं, इस सोच से ही यानी कि लोग घबरा जाते थे। लेकिन आज की ये तस्वीरें दिल खुश कर देने वाली है। आज की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीरें हैं। इस साल का यानी कि साल 2022 का कारगिल विजय दिवस अब तक का सबसे ऐतिहासिक विजय दिवस रहा, क्योंकि इस दिन, जैसे कि आप सभी को मालूम भी है, कि हम अपने देश के कारगिल वॉर में शहीद हुए जवानों को याद करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस साल 25 जुलाई को एक तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। ना सिर्फ तिरंगा यात्रा निकाली जाती है बल्कि शहीदों को एक अलग अंदाज में श्रद्धांजलि भी दी जाती है। ये तिरंगा यात्रा आखिर कौन निकाल रहा है? ये तिरंगा यात्रा भारतीय जनता युवा कार्यकर्ता निकाल रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता निकाल रहे हैं, और जिनके नेतृत्व में ये किया जा रहा है उनके नाम से आप सभी वाकिफ हैं। उनका नाम है तेजस्वी सूर्या, जो कि सांसद भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के। उनके नेतृत्व में एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली जाती है जो कि 25 जुलाई को शुरू हुई थी, और लाल चौक से यानी कि श्रीनगर के लाल चौक से ये तिरंगा यात्रा शुरू होती है और 26 जुलाई को जाकर ये कारगिल वॉर मेमोरियल पर जाकर खत्म हो जाती है। लेकिन इन 3 दिनों में कश्मीर में जो कुछ भी हुआ वो सोच पाना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन कर पाना एक इतिहास रच देने जैसा है। इतिहास इस वजह से रचा गया क्योंकि कश्मीर में इन 3 दिनों में जहां कहीं भी लोग नज़र उठाकर देखते थे, जहां कहीं भी लोग अपनी नज़र घुमाकर देखते थे, हर तरफ उन्हें अपने भारत देश का लहराता हुआ और शानदार तिरंगा नज़र आ रहा था। इस तिरंगा यात्रा में 75 कार्यकर्ता ऐसे बताए जा रहे हैं जो वीर जवानों के घर गए, उनके आंगन की मिट्टी लेकर आए और उस मिट्टी से उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए उन तमाम वीर जवानों को कारगिल विजय दिवस पर। इस पूरे अवसर पर इतना बड़ा जन संबोधन आज तक किसी ने नहीं देखा था। और इससे पहले भी मैं आपको जरूर याद करवाना चाहूंगी कि आज से लगभग 30 साल पहले सन 1992 में हमारे देश के जो आज के समय के प्रधानमंत्री हैं यानी कि नरेंद्र मोदी, उस समय 1992 में भी उन्होंने बहुत बड़ी चुनौती के बीच में इसी लाल चौक पर, कश्मीर के इसी लाल चौक पर जाकर हमारे देश का झंडा फहराया था। जन संबोधित करते हुए तेजस्वी सूर्या ने ये बात जरूर कही कि 1992 में नरेंद्र मोदी ने जो करके दिखाया वो अपने आप में पहले भी बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक था, क्योंकि उन्होंने बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी प्रशासनिक सपोर्ट के वहाँ पर अलगाववादी और आतंकवादियों की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उस समय झंडा फहराया था, एक उस समय इतिहास बना था। और 30 साल बाद आज फिर से इतिहास लिखा जा रहा है, इतिहास याद किया जाएगा आने वाले समय में। इसके अलावा तेजस्वी सूर्या ने यह भी कहा कि कश्मीर जो कि शिक्षा के नाम पर बहुत ज़्यादा प्रख्यात था, बहुत ज़्यादा जाना जाता था, लेकिन एक समय ऐसा भी कश्मीर में आया जब आतंकवादियों का खौफ इतना ज़्यादा था कि युवा अपनी शिक्षा से ही वंचित रह गए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आते हैं, 370 का अनुच्छेद हटाया जाता है, उसके बाद युवाओं को अब इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए कहीं पुणे या फिर बेंगलोर नहीं जाना पड़ता, वो कश्मीर में ही अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने अच्छे भविष्य की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा जन संबोधित करते हुए तेजस्वी सूर्य ने क्या कुछ कहा वो अब आप सुनिए। जो कश्मीर इतिहास में विद्यानगरी, शिक्षा नगरी ऐसे माना जाता था, जो कश्मीर नमस्ते शारदा देवी कश्मीर पुरवासिनी, कश्मीर शारदा माँ के धरती ऐसे जाना जाता था, आतंकवाद के वजह से ये कश्मीर में युवाओं को शिक्षा के अवसर वंचित हो रहा था। नरेंद्र मोदी जी 370 हटने के बाद यहाँ अनेक अनेक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यहाँ शुरू हो चुका है। आज कश्मीर के एक नौजवान डॉक्टर बनने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए पुणे या बेंगलोर आना जरूरी नहीं है,
वर्ल्ड क्लास एजुकेशन उनको अपने कश्मीर में ही प्राप्त हो रहा है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट नरेंद्र मोदी हैज ब्रॉट टू कश्मीर। 370 जब लागू था तब कश्मीर में यहां के महिलाओं को समान अधिकार नहीं था। आज कर्नाटका के महिला को जितना अधिकार है, दिल्ली में रहने वाले महिला को जितना अधिकार है, उतना ही अधिकार कश्मीर के सभी महिलाओं को भी नरेंद्र मोदी जी ने प्राप्त किया है। इसी सबका साथ सबका विकास मंत्र का एक उपलक्ष्य है।